1971 के मशरकी पाकिस्तान के सानिया पर महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़े तो सर शर्म से झुक जाता है। पाकिस्तान को जब दोलख्त किया जा रहा था तो उस वक्त के हमारे हुक्मरान अयाशियों में मुब्तला थे। रिपोर्ट में उन औरतों की तफसील तारीखों के साथ दी गई है जो हमारे बद करदार हुक्मरानों की अयाशी के लिए उनकी सरकारी रहायशगाहों में रात गुजारने के लिए आती थी। मैं अपनी इस वीडियो में किसी फर्द का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट एक वाद सरकारी तहकीकती रिपोर्ट है जिसमें मशरकी पाकिस्तान के सानिया के मुख्तलिफ अवामल में शामिल हमारे हुक्मरानों के जाती करदार पर भी रोशनी डाली गई है। इन करदारों के बारे में पढ़कर घिन आती है और बंदा हैरान हो जाता है कि इस कदर बदबूदार और बदकरदार गंदे लोग किस तरह आला तरीन ओहदों पर पहुंच जाते हैं। मुझे इस रिपोर्ट को पढ़े काफी अरसा हो गया, लेकिन रिपोर्ट के इस पहलू का ख्याल मेरे जहन में उस हालिया तनाजा की बिना पर आया जिसमें पाकिस्तान में रहने वाली एक गैर मुल्की खतून ने पीपल्स पार्टी के कुछ अहम रहनुमाओं पर अपने साथ मुबैना ज्यादती के इल्जाम लगाए और कहा कि उसके साथ ज्यादती गुज़िश्ता PPP के दौरे हुकूमत के दौरान की गई। इस खातून के इल्जाम को मुतलका PPP रहनुमाओं ने झूठ कहकर जुटला दिया। हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन ये वो इल्जाम हैं जिनका गाहे बगाहे सामना हमारे कई सियासी और फौजी हुक्मरानों को करना पड़ता है। मैं ऐसे मामलों पर बात करने से अमूमन ग्रेज करता हूँ और ये भी मुनासिब नहीं समझता कि चाहे कितनी ही सच्ची खबर हो किसी की जाती जिंदगी के बारे में कुछ कहा जाए। मुझे सबूतों के साथ चंद सियासी रहनुमाओं की जाती जिंदगी के बारे में मवाद दिया गया जो मीडिया के लिए बहुत बड़ी खबर भी बन सकता था, लेकिन मैंने ऐसी खबरें देना पसंद ना किया और ना ही ऐसे किसी सोर्स की हौसला अफजाई की। जिस तरह मौजूदा तनाजा पर मीडिया में खबरें नशर की जा रही हैं, मुझे इस पर भी एतराज है, लेकिन एक मुसलमान और एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मुझे ये फिक्र जरूर लाहक है कि ऐसा क्यों है कि हमारे कई सबक और मौजूदा हुक्मरानों और सियासी रहनुमाओं के बारे में ऐसी बातें की जाती हैं। जो लोग हुक्मरानी करें, आला अहदों पर फायज हों या उनका ताल्लुक सियासत से हो, उनको खास तौर पर बाकरदार होना चाहिए। किसी की जाती जिंदगी में हमें झांकने और टोल लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर हमारे हुक्मरान आला अहदों पर फायज अफराद और सियासी रहनुमाओं में बदकरदारी पाई जाती हो तो यह रियासत के साथ साथ पूरे मुआशरे के लिए भी खतरनाक होगा। अफसोस का मकाम यह है कि अगर कोई शख्स बदकरदार है और उसकी बदकरदारी के बारे में उसके इर्द गिर्द के लोग जानते भी हैं तो उसे सियासत, सरकारी और दूसरे शोबों में आगे जाने से नहीं रोका जाता। आईने पाकिस्तान के मुताबिक कोई शख्स अगर बाकरदार नहीं तो वो पार्लियामेंट का रुकन नहीं बन सकता, लेकिन आयन की इन शिकों पर अमल ही नहीं किया जाता। माजी का एक मेंबर कौमी असम्बली शराबो शबाब के अपने शौक का खुलकर मीडिया पर बयान करता रहा, लेकिन उसे किसी ने नहीं पूछा, ना अपनी सियासी जमात ने, ना ही रियासत के किसी अदारा ने। रियासत का ये वो रवैया है जिसने बदकरदारी को गुनाह या बुराई मानना छोड़ दिया। अमूमी तौर पर अब तो अगर किसी के बारे में ये यकीन भी हो के वो अपनी जाती जिंदगी में बहुत गंदा है तो उस पर किसी को कोई एतराज नहीं होता, और ऐसा शख्स सियासत में हो या रियासत का कोई आला ओहदेदार उसके उस पहलू को नजरअंदाज किया जाता है। अखबारों में लोगों की जाती जिंदगी के हवाले से उछाले जाने वाली गंदी और ऐसी खबरों पर तबसरा की बजाय उस खराबी का तदारक और कोई हल भी तलाश नहीं किया जाता, और यही आज भी हो रहा है। मीडिया ऐसी खबरों पर खूब सनसनी फैलाकर अपनी रेटिंग तो जरूर बढ़ा रहा है, लेकिन अगर ये बात की जाएगी आइन के आर्टिकल 62 और 63 का न सिर्फ सियासतदानों और मिंबराने पार्लियामेंट पर सख्ती से नफाज किया जाए बल्कि इन आइनी शिकों का दायरा कार हर अहम सिविल और फौजी ओहदेदार पर किया जाए तो मीडिया का एक पासर तबका इस अकदाम की मुखालफत करेगा। सियासी जमातें अपने मुखालफिन के बारे में ऐसी खबरों पर तो खूब मसाला लगा लगा कर तबसरे करती हैं, लेकिन जब कहा जाए कि आइन की शिकों पर अमल दरामद करते हुए किसी बदकरदार को इलेक्शन में पार्टी टिकट ना दें तो कहते हैं कि ये आईनी शिके तो काबिले अमल हैं ही नहीं। ऐसी दो नंबरी के होते हुए हम बाकरदार सियासी और सरकारी क्यादत कैसे हासिल कर पाएंगे।